हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ऑटोमेटिक गेटवे बना के दिखाऊंगा सर्वो मोटर का यूज़ करके और अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके। और फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाया था और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर लगाया हुआ था और जब भी गाड़ी का वेट यहाँ पे गिरता है तो इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर नीचे एक स्विच है, ये स्विच को ऑन कर देता है और गेट इस टाइप से ऑटोमेटिक खुल जाता है। और ये जो सिस्टम है ये मुझे थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप से लग रहा है, तो मैंने सोचा इसको और भी हम स्मार्ट तरीके से बनाते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सर्किट डायग्राम को भी मैंने आपको समझा के दिया है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि भाई ये क्या चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ब्रिक्स की टाइप्स, और यहाँ पर भी है ये और यहाँ घर में भी लगाया हुआ आप देख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ था, एक पिक्चर मैंने बस टाइप किया था कि ब्रिक्स पैटर्न, तो ये पिक्चर मुझे बेस्ट लगा तो मैंने इसको डाउनलोड किया और प्रिंट आउट करके इसकी साइज़ में कट करके यहाँ पर मैंने लगा दिया है। पूरा घर में मैंने इस टाइप से लगाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम और अभी हम कनेक्शन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। और वीडियो के एंड में मैंने आपको ये समझा के भी दिया हुआ है, और अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक माइक्रो सर्वो मोटर, आप यहाँ पे मैक्रो का भी यूज़ कर सकते हो, इससे बड़ा भी एक मोटर आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोटर के साथ पहले से ही तीन वायर्स अटैच रहता है, एक होता है इसका पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा जो येलो कलर की वायर है ये होता है इसका सिग्नल का वायर। इसके बाद आपको एक आर्डिनो चाहिए होगा, मैं यहाँ पर आर्डिनो यूनो का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी टाइप का आर्डिनो का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको एक अल्ट्रासोनिक सेंसर की ज़रूरत पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टी लिखा हुआ है, ये है इसका ट्रांसमीटर, और यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये है इसका रिसीवर। और ये जो सेंसर है यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड को ट्रांसमिट करता है, और जब ये जाके किसी भी ऑब्स्टेकल पे स्ट्राइक होती है तो ये इसको वापस रिसीव कर लेता है। इसके बाद आपको इस टाइप का केबल चाहिए होगा जो आपको मिल जाएगा आर्डिनो के साथ, और यहाँ इस साइड होता है इसका यूएसबी टाइप का पिन, और यहाँ पर होता है टाइप बी जो कनेक्ट होता है हमारा आर्डिनो के साथ। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक पावर बैंक का यूज़ कर रहा हूँ इसको पावर देने के लिए, और आप यहाँ पे मोबाइल फोन की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हो इस आर्डिनो को पावर देने के लिए। और हाँ, एक बैटरी से ये वर्क नहीं करता, आपको इससे ज़्यादा देना होगा या फिर दो कनेक्ट करना होगा बैटरी सीरीज में, और या फिर आप 9 वोल्ट की जो बैटरी होती है उससे भी पावर दे सकते हो, या फिर मोबाइल फोन के चार्जर से भी आप इसको पावर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं कि इसको प्रोग्राम किस टाइप से करना है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामिंग में, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ही अच्छे से। तो प्रोग्राम करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्डिनो कोड बोल के एक लिंक मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप मेरे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको वहाँ पे आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग कोड है वो आपको सिंपली कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, ये है आर्डिनो ड्रॉइड एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपके जो फ़ोन है उसके सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ पर जो OTG का ऑप्शन है आपको इसे ऑन कर देना है। देखिए, मैंने इसको ऑन करके रखा है, अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो ये काम नहीं करेगा। और इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद और आपको यहाँ पे जो कोड है उसको सिंपली पेस्ट कर देना है। देखिए आप, ये मैंने पेस्ट कर दिया है अभी। और इसके बाद हमें कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए ये जो आपको चार्जिंग की तरह आइकॉन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इसको कंपाइल नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो देखिए आप, कंपाइलेशन चालू हो चुका है, हाँ फिनिश भी हो चुका है। तो अभी हमें इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको एक OTG का केबल चाहिए होगा। देखिए, इस टाइप का एक OTG केबल आपको लेना है, 20-25 रुपये आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। और इसके बाद आपको सिंपली इसको यहाँ पे लगा देना है, और जो आर्डिनो के साथ केबल आता है उसको भी हमें यहाँ पे लगा देना है, और इस वाले पिन को हमें लगा देना है आर्डिनो बोर्ड के साथ, आप देख सकते हैं या इस टाइप से। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आर्डिनो बोर्ड पे लाइट ग्लो कर रही है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको सिंपली जो अपलोडिंग का साइन है यहाँ पर इसको क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। तो देखिए, अभी अपलोडिंग हो चुका है, थैंक यू बोल के आ रहा है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडिंग एरर लिखा हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले से ही मैंने यही कोड इस आर्डिनो पे प्रोग्राम करके रखा है, इसलिए ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप पहली बार करते हो तो यहाँ पे कोई एरर आपको शो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसको हम पावर दे देते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो GND लिखा हुआ है, ग्राउंड मतलब नेगेटिव, तो ये जो पिंक कलर का वायर है ये है इसका नेगेटिव का वायर। तो हमें इस नेगेटिव के वायर को लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको ग्राउंड का पिन दिख रहा होगा, यहाँ पर दो ग्राउंड का पिन है, आपको किसी भी एक ग्राउंड के पिन को सिंपली इसको कनेक्ट कर देना है। इसके बाद इसका जो पॉजिटिव है उसको हमें लगाना है, तो पॉजिटिव VCC यहाँ पर लिखा हुआ है, यह है इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का वायर जो है ये है येलो कलर का वायर, इसको हमें लगाना है। यहाँ पर आप देखिए 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है एक पिन में, तो हमें सिंपली इसको 3.3 वोल्ट की जो पिन है उसको यहाँ पर हमें लगा देना है। तो फ्रेंड्स, अभी सेंसर को पावर मिल चुका है, अब हमें इससे आउटपुट लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए आप देखिए यहाँ पर जो ट्रिगर का पिन है ये है ग्रीन कलर का वायर, तो हमें इस ट्रिगर की जो पिन है इसको लगा देना है डिजिटल पिन नंबर 3 के साथ। तो आप देखिए यहाँ पर है डिजिटल पिन नंबर 3, तो हमें सिंपली इसको यहाँ पे लगा देना है।
इसके बाद यहाँ पर जो ब्लू कलर का वायर आप देख सकते हैं इको से आ रहा है, उसको हमें लगा देना है यहाँ पर डिजिटल पिन नंबर 5 के साथ। अभी देखिए यहाँ पर 3, 4 है और ये वाली पिन 5 है, तो हम इसको लगा देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन हो गया है, अब हम सर्वो मोटर का कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस सर्वो मोटर को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 3 मेल टू मेल जंपर वायर्स ले रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई नॉर्मल वायर का यूज कर सकते हो और सोल्डरिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्वो मोटर से वायर आ रही है इसके साथ एक प्लग कनेक्टेड है, तो हमें ये जो पिन है इसको यहाँ पे लगा देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस मोटर से 3 वायर्स निकल के आ रहा है। ये जो येलो कलर का वायर है ये है इसका सिग्नल का वायर, तो हमें इस वायर को लगाना है। आप देखिए येलो कलर की वायर्स लगा है इस ग्रीन वायर के साथ, तो हमें इस ग्रीन कलर की वायर को लगा देना है इस आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 9 के साथ। ये है इसका पिन नंबर 9, हम इसको सिंपली पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो रेड कलर के वायर देख सकते हैं ये वायर है इस मोटर का पॉजिटिव वायर, तो हमें इस पॉजिटिव वायर को लगाना है। देखिए रेड कलर का वायर कनेक्ट हुआ है येलो कलर के साथ, तो हमें जो येलो कलर की जंपर वायर है इसको लगा देना है। यहाँ पर जो 5 वोल्ट का पिन आपको दिख रहा होगा सिंपली आपको इसे यहाँ पे लगा देना है। अब हमें इस मोटर से जो नेगेटिव का वायर आ रहा है आप देख सकते हैं जो ब्राउन कलर की वायर है ये इसका नेगेटिव वायर, तो इसके साथ कनेक्ट है ये ऑरेंज कलर की वायर, तो हमें इस ऑरेंज कलर की वायर को लगा देना है ग्राउंड पिन के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड पिन है यहाँ पर जो बीच में बचा है, हम इसको सिंपली यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए आप इस टाइप से इसका कनेक्शन है। फ्रेंड्स यहाँ पर सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्किट डायग्राम है और यहाँ पर ये है सर्वो मोटर, तो सर्वो मोटर से जो पॉजिटिव वायर जो बीच का ये पॉजिटिव वायर है ये डायरेक्टली जाके कनेक्ट हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्डिनो के 5 वोल्ट के साथ, और इसका जो नेगेटिव वायर है वो गया है डायरेक्टली यहाँ पर ग्राउंड वाली पिन जो आर्डिनो के पावर पिन ग्राउंड पिन है इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। और इसके बाद इसका जो सिग्नल का वायर है वो आप देख सकते हैं ये येलो कलर का वायर गया है इधर से और यहाँ पर आके कनेक्ट हुआ है पिन नंबर 9 के साथ यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर है अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसका जो VCC यानी कि जो पॉजिटिव का वायर है वो है रेड कलर का वायर, आप देख सकते हैं यहाँ से ये आके कनेक्ट हुआ है यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट का पिन है आर्डिनो के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। इसके बाद इसका जो ग्राउंड पिन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हुआ है आके आर्डिनो के पावर पिन ग्राउंड पिन के साथ यहाँ पे। इसके बाद इसका जो आउटपुट वायर्स है ट्रिगर पिन और जो इको पिन है, तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर की वायर है ये है इसका ट्रिगर पिन और ये कनेक्ट हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके ये कनेक्ट हो गया है पिन नंबर 3 के साथ। और इसके बाद इसका जो इको का वायर है वो है ये ब्राउन कलर का वायर और ये कनेक्ट हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन नंबर 5 के साथ, और ये कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमें बस आर्डिनो को पावर देना है। आप यहाँ से भी दे सकते हो 9 वोल्ट से और यहाँ से जो केबल है उसको भी लगा के आप किसी पावर बैंक या फिर चार्जर से भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे सिस्टम्स यहाँ पे फिट कर दिया है, यहाँ पर है पावर बैंक, यहाँ पर है आर्डिनो और यहाँ पर है सर्वो मोटर। आप देख सकते हैं इसको मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, जहाँ पे रखने से अच्छी तरीके से गेट ओपन होगा क्लोज होगा इस टाइप से मैंने रखा है। और इस सर्वो मोटर के सामने मैंने एक छोटा सा जो PVC पाइप होता है इसको कट करके गेट की शेप का आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस प्लास्टिक का टुकड़ा का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास फिलहाल कोई कार नहीं तो मैं आपको कार से भी करके दिखाता, और जब तक गाड़ी यहाँ पर रहेगा तब तक ये गेट ओपन ही रहेगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ और गेट ओपन हो चुका है। देखिए आप ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ये सेंसर जो ये हिल रहा है इसलिए, और जब भी मैं इसको अंदर भेज दूंगा तब ये गेट ऑटोमेटिकली बंद होगा। देखिए आप मैं इसको पुश कर रहा हूँ यहाँ से, अब गेट बंद हो गया। फिर से आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो अब जब मैं इसको करीब लेके जाता हूँ तो गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ये सेंसर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, हिल रहा है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, और जब ये अंदर चला जाएगा तब ये गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखो आप बंद हो गया। Thank you.